हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो इस समय नवंबर के मंथ में हम ढेरों प्लांट जो है वो कटिंग से रेडी कर सकते हैं। उसी तरह से हम ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट भी इस समय रेडी कर सकते हैं फ्रेंड। और आपको आज मैं वो जुगाड़ भी बताऊँगी जिससे आप फ्री में भी सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में लगने वाले जितने भी प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं और मात्र 1 या 2 इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं। ये प्लांट इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि अगर ये जो प्लांट है उसकी टूट कर इसकी जो छोटी सी ब्रांच हुई कहीं मिट्टी में गिर जाती है तो वहीं पर जो प्लांट से ग्रो हो जाते हैं। समय नवंबर के मंथ में आप ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि फिर उसके बाद ये जो प्लांट है विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। लेकिन इस समय आप देखेंगे कि जितने भी हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट्स होते हैं सबकी ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो इस समय अगर आप हैंगिंग बास्केट रेडी करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके जो हैंगिंग बास्केट है 4 से 5 दिनों के अंदर ही उसमें रूट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस सुंदर मौके का फ़ायदा उठाइए और आप भी ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी कर लीजिए। तो इधर आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही मैंने ये सारे हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी किए थे, जो कि मैंने आप लोग से शेयर भी किए थे। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में मेरे जितने भी हैंगिंग बास्केट है सबकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी हो गई है और मेरे सारे प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी ग्रो भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके वो सारे हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट्स भी बता दूं। और आपके पास में अगर हैंगिंग बास्केट नहीं है तो आप किस तरह से जुगाड़ में सारे सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है अपने घर पर ही रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट मैं आपको दिखा दूँ तो यह है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट तो सबका फेवरेट होता है और ये जो प्लांट होता है सदाबहार प्लांट होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को आप अपने घर के इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं, जहाँ चाहे इस प्लांट को आप रख दीजिए। बहुत ही अच्छे से जो प्लांट है ग्रो होते रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने मनी प्लांट को किस चीज़ में लगा के रखा है, तो ये एक तेल का कंटेनर है। तो मनी प्लांट को किसी भी कबाड़ में अगर आप लगा देंगे, छोटे छोटे बोटल्स में भी लगा देंगे, तो उसी में ये जो प्लांट है अच्छे से ग्रो होता रहता है। तो मनी प्लांट को लगाने के लिए आपको बास्केट वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से निकलने वाले इस तरह के जो डब्बे आपके घर से निकलते हैं तो उसमें भी अगर आप इस प्लांट को लगा देंगे तो उसी में ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से चलता रहता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरह से मनी प्लांट का हैंगिंग बास्केट जो है फ्री में ही रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आप भी जुगाड़ से हैंगिंग बास्केट जो है मनी प्लांट का रेडी कर सकते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं, छोटी छोटी कटिंग से भी रेडी हो जाते हैं। तो इस प्लांट की अगर आप इस तरह से 2 या 3 इंच की छोटी सी कटिंग भी लगाएंगे तो अभी ये जो मनी प्लांट है आपका बहुत ही जल्दी लगकर रेडी हो जाएगा। मैं हम किसी भी प्लांट की कटिंग को लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ जो है काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप मनी प्लांट की भी अभी सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से छोटे से ग्रो बैग में ही मनी प्लांट की ढेरों कटिंग जो है मैंने लगाई है और सारी की सारी कटिंग जो है काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं छोटे से ग्रो बैग में ही कितनी जो कटिंग है मेरी कितनी लंबी हो गई है। से जितने भी हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट होते हैं मात्र 1 या 2 इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं। तो देख सकते हैं आपकी मनी प्लांट में इस तरह से नोड एरिया जो है बने रहते हैं और वहीं पे रूट जो है वो निकली रहती है। तो जहाँ पर इसमें नोड एरिया बने हुए हैं तो वहीं से कट करके इसे आपको मिट्टी में दबाना है तो आपका प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से 4 से 5 दिनों के अंदर ही उसमें जड़ जो है वो बनने लग जाएंगी। अब अगला जो हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट है देख सकते हैं आप, यह है वांडरिंग व्यू। इसके पत्ते जो हैं काफ़ी सुंदर लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद जब अधिक विंटर पड़ने लग जाती है तो ये जो प्लांट होते हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं और इसके पत्ते जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं और ये प्लांट भी थोड़ा डल सा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये प्लांट जो है वो ये वांडरिंग व्यू का प्लांट अगर ख़राब हो गया है तो आप फटाफट से इस प्लांट की छोटी छोटी 1 या 2 इंच की कटिंग अगर टिप्पर की लगा देंगे तो आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से अभी रेडी भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सुंदर सुंदर ये जो वांडरिंग व्यू है इसका अभी हैंगिंग बास्केट जो है रेडी कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसे किस में लगा के रखा है, तो ये बैटरी के ऊपर का पार्ट है, तो जो बैटरी पानी वाली जो बैटरी की बड़ी वाली बोतल आती है तो उसी को ऊपर वाले पार्ट को मैंने इस तरह से कट कर दिया है और उसका इसे हैंगिंग बास्केट जो है बना दिया है। तो इस तरह से जुगाड़ से आप भी सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी कर सकते हैं। जो हैंगिंग बास्केट में लगने वाला सुंदर सा प्लांट है देख सकते हैं, यह है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट तो हैंगिंग बास्केट में लगने वाला एक परफेक्ट प्लांट होता है, काफ़ी सुंदर लगते हैं जो प्लांट होते हैं हैंगिंग बास्केट में लगे हुए, क्योंकि इसमें बेबी प्लांट जो है निकलते हैं तो जब इसके रनर लटकते हैं तो ये और ये जो प्लांट है देखने में और भी खूबसूरत लगता है। और अगर आप इस तरह से हैंगिंग बास्केट जो है नहीं खरीदना चाहते हैं और फ्री में ही हैंगिंग बास्केट रेडी करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से आप भी जुगाड़ जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारे बैटरी के ऊपर का पार्ट ही है, जिसे तो जो बैटरी की पानी वाली बोतल आती है फिर तो इसके नीचे के पार्ट को तो मैंने यूज कर लिया है और इसके ऊपर के पार्ट को इस तरह से होल्ड करके इसमें डोरी लगाकर लटका दिया है। तो कहीं भी आप इस तरह से इसमें डोरी लगा के इसको हैंग कर सकते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। और इस तरह से हमारे सुंदर सुंदर हैंगिंग
बास्केट जो है वो फ्री में ही रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ये जो स्पाइडर प्लांट है इसका सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है फ्री में रेडी कर सकते हैं। और मेरा एक और स्पाइडर प्लांट का हैंगिंग बास्केट है, लेकिन ये जो हैंगिंग बास्केट आप देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है। इस तरह से आप या तो मार्केट से हैंगिंग बास्केट खरीद भी सकते हैं, और आपको मैंने जुगाड़ वाला हैंगिंग बास्केट भी दिखा दिया। सुंदर सा हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट दिखा दो, तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है स्नेक प्लांट। तो ये स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं होती, इस तरह से छोटी छोटी होती है। और एक ही प्लांट इसकी अगर आप लगाते हैं तो पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे इसके बेबी प्लांट हैं, तो बहुत सुंदर प्लांट है। एक प्लांट से आपको हज़ारों प्लांट जो है फ्री में मिल जाएंगे, और इसके आप ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है रेडी कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि इसे भी मैंने इस तरह से बैटरी के ऊपर वाले पार्ट में ही लगा के रखा है। आपको मैं जुगाड़ वाला हैंगिंग बास्केट भी दिखा रही हूँ, और इस तरह से आप मार्केट से लाकर भी इसका सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट वाली वैरायटी है इसका एक और हैंगिंग बास्केट मैंने रेडी करके रखा है। तो ये जो स्नेक प्लांट आप देख रहे हैं ये नर्सरी में काफ़ी महंगे देते हैं, लेकिन इस प्लांट को आप फ्री में बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। इसका एक पत्ता भी तोड़कर अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो आपका एक पत्ते से भी ये जो प्लांट है रेडी हो जाते हैं। और इसके बेबी प्लांट को सेपरेट करके भी आप ढेरों इसके पॉट जो है वो फ्री में रेडी कर सकते हैं। ये वाली जो मनी प्लांट है इसे गोल्डन पोथोस के नाम से भी हम जानते हैं फ्रेंड। ये प्लांट तो मैं नर्सरी से लेके आई थी, तो जब मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी तो भी मैंने इसके फ्री में एक और पॉट जो है रेडी कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सुंदर सा इसका पॉट जो है फ्री में मेरा रेडी हो गया। तो ये भी प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से कटिंग से रेडी हो जाता है। और ये जो प्लांट होते हैं नर्सरी में कॉस्टली देते हैं, लेकिन इसे आप फ्री में ढेरों पॉट जो है बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे फ्री में ही इसके दो पॉट्स, एक तो मैंने इस तरह से हैंगिंग बास्केट इसके रेडी कर लिए हैं, और इधर आप देख सकते हैं कि एक सुंदर सा पॉट्स भी मैंने इसके फ्री में रेडी कर लिए हैं कटिंग से। अब अगला जो हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट्स है आप देख सकते हैं यह है बेबी टियर्स। तो अपने नाम की तरह ही बिल्कुल इसके पत्ते हैं, कितने छोटे छोटे आप देख सकते हैं इसके पत्ते लगते हैं बिल्कुल बच्चों की आंसू की तरह ही। और ये प्लांट जो है देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, और छोटी छोटी मात्र एक या दो इंच की कटिंग से ही लग जाते हैं। इसके ब्रांच अगर कहीं टूट कर गिर भी जाते हैं तो वहीं पर जो प्लांट्स है अपने आप से रेडी हो जाता है। और इस प्लांट को भी आप छोटे छोटे किसी भी कबाड़ में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने इस तरह से ये जो पॉट है इसका रेडी करके रखा है। आप चाहे तो मनी प्लांट को अपने घर से निकलने वाले किसी भी बेकार सामान में लगा सकते हैं, और उसमें होल्स करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने इसका जो पॉट रेडी किया आपको मैंने दिखाया, तो इसे तो मैंने इस तरह से मिठाई के डब्बे में ही लगा के रखा है। और ये छोटे छोटे इस तरह के पॉट्स में बहुत ही अच्छे से चलते भी रहते हैं। अब अगला सुंदर सा हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट है आप देख सकते हैं यह है जेट प्लांट। तो जो जेट प्लांट होता है ये काफ़ी सुप प्लांट होता है फ्रेंड, और आजकल इस प्लांट को हम सभी काफ़ी ज़्यादा लगाना पसंद भी करने लगे हैं। ये जो प्लांट होता है अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। देख सकते हैं इसके पत्ते जो हैं काफ़ी सुंदर इस तरह से लगते हैं, तो एक या दो इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी जो प्लांट है दिख जाते हैं तो उसके ऊपर की छोटी सी एक इंच की पिंचिंग भी अगर आप कर लेंगे और उसे मिट्टी में लगा देंगे तो आपका जो प्लांट है फ्री में रेडी हो जाएगा। तो आप चाहे इस प्लांट को किसी भी छोटे छोटे पॉट में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को भी लगाने के लिए कोई बड़ा पॉट जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सुंदर सा हैंगिंग बास्केट जो है मैंने ये जेट प्लांट की रेडी करके रखी है। और इधर आप देख सकते हैं कि एक और सुंदर सा जेट प्लांट की मैंने टोपियारी जो है बनाई है, तो उसे मैंने इस तरह से आइसक्रीम के डब्बे में ही लगा के रखा है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, आपके घर से निकलने वाले किसी भी छोटे छोटे कबाड़ में इसे आप लगा देंगे तो उसी में आपका जो ये जो जेट प्लांट है अच्छे से ग्रो होता रहेगा। देखते हैं आप, यह है टेंगल हट जो कि अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं आते, ना ही कोई फल आते हैं, लेकिन ये जो प्लांट होते हैं इसके पत्ते ही इतने सुंदर लगते हैं कि आप इनको लगाए बिना नहीं रह पाएंगे। और देख सकते हैं इसके जो ब्रांच जब इस तरह से लटकते हैं तो ये जो प्लांट है और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। तो इस तरह से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपनी बालकोनी में भी हैंग कर सकते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये जो प्लांट है इसकी ब्रांच अगर टूट के खुद ब खुद ज़मीन पर गिर भी जाती है तो वहीं ये जो प्लांट है रेडी होने लग जाते हैं। तो ये प्लांट कहीं भी आपको दिख जाते हैं तो उसकी एक ऊपर की एक इंच की दो इंच की छोटी छोटी कटिंग ला के अगर आप मिट्टी में रख देंगे तो आपका जो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका पूरा पॉट जो है इसने कवर कर लिया। तो ये पॉट आप देख रहे हैं इसे मैंने इसकी छोटी सी कटिंग ही लगाई थी, और आप देख सकते हैं कि केवल 15-20 दिनों के अंदर का ही रिजल्ट है, मेरा पूरा पॉट जो है इसने टेंगल हट में कवर कर लिया है। और उसके बगल में एक और सुंदर सा पत्तों वाला प्लांट है देख सकते हैं आप, यह है टर्टल वाइन। तो ये भी प्लांट जो है अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है फ्रेंड। और ये भी प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं, एक या दो इंच की छोटी छोटी कटिंग से ही लग जाते हैं। और ये सारे प्लांट जब हैंग करते हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और बहुत ही जल्दी अगर आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है पूरा पॉट जो है कवर कर लेता है। तो इस तरह से आप
टेंगल हट हो गया या फिर टर्टल वाइन हो गया, इसके सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है अभी फ्री में रेडी कर सकते हैं। एक और सुंदर सा हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप, ये है पर्पल हट और इसमें सुंदर सुंदर पिंक कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। तो ये भी प्लांट काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, 1 या 2 इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं जो प्लांट होते हैं, 4 से 5 दिनों के अंदर इसमें रूट जो है बन जाती है। तो अभी इस समय आप पर्पल हट का हैंगिंग बास्केट भी रेडी कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसे जुगाड़ से ही लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसे मैंने इस तरह से बैटरी के ऊपर का जो पार्ट है उसी में कट करके मैंने लगा दिया और उसे हैंग कर दिया है। तो इस तरह से जुगाड़ से आप भी इसके सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है वो भी अभी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मेरे इस तरह से नर्सरी पॉट भी हैं जिसमें प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं। देखिए इसमें मेरा टेंगल हट लगा हुआ है और इधर आप देख सकते हैं कि ये हमारे घर से निकलने वाले डब्बे ही हैं, तो ये हॉर्लिक्स का डब्बा ही है और उसे मैंने ऊपर से कट कर दिया और उसमें टेंगल हट लगाया है। और देखिए इसके ब्रांच जो है कितने अच्छी लग रही है, इस तरह से लटकते हैं प्लांट तो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। और इधर जो आप देख रहे हैं मनी प्लांट, तो ये इतना अधिक भूसी हो गया है कि इसका पॉट ही पूरा फुल हो गया है। आप देख सकते हैं ये भी नर्सरी पॉट में ही लगा हुआ है। तो मनी प्लांट तो सुंदर लगते ही हैं, ये छोटे छोटे बड़े बड़े किसी भी पॉट में आप इसको लगा देंगे तो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। और चलिए एक और हैंगिंग बास्केट वाला प्लांट मैं आपको दिखा दूँ जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो ये है रियो का प्लांट। तो रियो में भी 2 तरह की वैरायटी आती है, तो मेरे पास तो ये वाला रियो का प्लांट है और रियो का प्लांट का भी आप सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है रेडी कर सकते हैं। ये भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और छोटी छोटी कटिंग से ही हो जाते हैं। तो इस प्लांट की अगर एक छोटी सी कटिंग भी अगर आप लाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका पूरा पॉट जो है वो ये कवर कर लेगा। और अभी इस समय इस प्लांट की कटिंग बहुत ही अच्छे से लग भी जाती है। अच्छा टाइम है, इस समय आप ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है रेडी कर सकते हैं। और अगर आपके पास में हैंगिंग पॉट्स नहीं है तो जुगाड़ से भी आप ढेरों हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी कर सकते हैं।